सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर ने बहू के कत्ल पर रद्दअमल जारी करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा वाकया है जो किसी के साथ भी ना हो। तफसीलात के मुताबिक अयाज मीर जब चक शहजाद पहुँचे तो वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने उन्हें घेर लिया और सवालात शुरू कर दिए। अयाज मीर ने कहा कि मुझे जब इतला मिली तो मैं हिल कर रह गया, किसी पर यह चीज़ बीते तो दिल को दहला देने वाली चीज़ है। सहाफ़ी ने पूछा कि आपका रोज़मर्रा आना जाना था यहाँ पर, जवाब में सीनियर सहाफ़ी ने सर हिलाकर इनकार में जवाब दिया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि बताया जा रहा है कि आपके बेटे शाहनवाज़ नशे के आदी थे और जब उन्होंने अहलिया को कत्ल किया तो वो उस वक्त भी नशे में थे। अयाज मीर ने जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में मैं अब क्या कहूँ, ऐसा वाक़या किसी के साथ ना हो और ये सदमा किसी को भी ना उठाना पड़े। याद रहे कि अयाज मीर के बेटे शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को घर में कत्ल कर दिया। पुलिस ने शाहनवाज़ को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तर्जमान पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी आगाह किया जाता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे कि ये तो ऐसा वाकया है कि ये किसी के साथ लेना और इतना मुझे तो जब उसकी ना मिली किसान को क्या मैं बयान क्या इसका किसी पे जो कहते ऐसे कि ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली। तो आपका रोल आना जाना था यहाँ पे? शुक्रिया सर। ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था। तो मेरे ख्याल में सारे वो डिटेल चीजें इसके बारे में अपने क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक्य किसी के साथ और ये सदमा किसी को खाना ना। बहुत शुक्रिया।